गुड मॉर्निंग। सक्सेस ग्रुप में आपका स्वागत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2018 की ऑथेंटिक आंसर की आयोग द्वारा जारी कर दी गई है और आप लोगों ने ऑथराइज्ड आंसर की से अपनी आंसर शीट का मिलान भी कर लिया होगा और यह भी आकलन कर लिया होगा कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्ज़ाम संबंधी जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो वो आप तक तत्काल पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कट ऑफ निर्धारण में चार फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पदों की संख्या, गत वर्ष के पदों के सापेक्ष गत वर्ष की कट ऑफ का तुलनात्मक अध्ययन, नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन। अब आप देखिए रिक्त पदों की संख्या का जो तुलनात्मक स्थिति है वो आपके सामने है। 2016 में आप देख रहे हैं सिविल में 951, मैकेनिकल में 25, इलेक्ट्रिकल 228, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 128 और क्वालिटी सर्वेइंग में 125, टोटल 1507 पद थे। 2017 में सिविल में 256 पद, मैकेनिकल में 4, इलेक्ट्रिकल में 5, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 76 और टोटल 341 पद थे। जबकि 2018 में सिविल में 1297, मैकेनिकल में 29, इलेक्ट्रिकल में 206, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 43 और क्वालिटी सर्वेइंग में 226, टोटल 1601 पद, 1601 पद थे। तो जहाँ तक 2017 की बात है तो 2017 में हम केवल 341 पद थे, बहुत ही कम थे पद जो है, इसलिए 2017 से हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हम जो भी कंपैरिजन करेंगे वो 2016 और 2018 के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 2016 के कट ऑफ की स्थिति क्या रही है। तो जहाँ तक 2016 का प्रश्न है, 2016 CBT 1 की जो कट ऑफ रही है, सिविल की अनरिजर्व की 100, OBC 92.50, SC की 84.50 और ST की 85.50 रही है। जबकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो इसकी कट ऑफ जो है वो सिविल से काफ़ी ज़्यादा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में पदों की संख्या बहुत कम थी। तो ये आपके सामने है, अनरिजर्व 115, OBC 109.50, SC 99 और ST 94.50। तो इसी आधार पर जो है तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम 2018 की जो कट ऑफ संभावित है उसके एनालिसिस करेंगे। जहाँ तक पेपर लेवल की बात है तो 2018 में रीजनिंग का पेपर मॉडरेट लेवल का था। सब्जेक्ट की बात करें तो वो कन्वेंशनल और मॉडरेट लेवल का था, किंतु जनरल अवेयरनेस का जो पेपर था वो लीक से हटकर था, डिफ़िकल्ट था और इस पेपर में क्वेश्चंस भी गलत हुए हैं जो कि नेगेटिव मार्किंग के कारण कट ऑफ को प्रभावित करेगा। जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग का प्रश्न है तो नेगेटिव मार्किंग के कारण जैसा कि आप जानते हैं कट ऑफ में कमी ही आती है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ संभावित कट ऑफ जो है वो वर्ष 2018-19 के एग्ज़ाम के लिए
सीबीटी वन की जो कट ऑफ है वो इस प्रकार होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ 2018-19 टीयर वन एसएससी जेई एग्जाम्स। एसएससी जेई सीबीटी वन 2018-19 की जो सिविल की कट ऑफ है वो इस प्रकार संभावित है, अनरिजर्व 103 से 108 के बीच, ओबीसी 98-103, एससी 89-94 और एसटी 85-90। जहाँ तक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो चूंकि इसमें पदों की संख्या कम थी, बहुत ही कम थी, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा होने की संभावना है। और ये जो है अनरिजर्व की 119 से 124, ओबीसी की 114 से 119 और एससी की 101 से 106 और एसटी की 95-100 के बीच रहने की संभावना है। जहाँ तक इलेक्ट्रिकल की बात करें, चूंकि इलेक्ट्रिकल में पद जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की तुलना में काफ़ी अधिक थे, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम रहने की संभावना है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अपेक्षा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अनरिजर्व की 113 से 117 के बीच, ओबीसी 110 से 114 के बीच, एससी 97-103 के बीच और एसटी की जो है वो 95-100 के बीच रहने की संभावना है। जहाँ तक नॉर्मलाइजेशन का प्रश्न है, नॉर्मलाइजेशन इसी बार लागू हुआ है इसलिए अभी इस पर कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। नॉर्मलाइजेशन पर मैं एक वीडियो पृथक से बनाऊंगा और इतना तो क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद अंकों में वृद्धि होनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि लेटेस्ट जो भी जानकारी है वो मैं आप तक जो है पहुँचाता रहूँ और वो अपडेटेड जो जानकारी है वो आपको तुरंत ही वो मिल जाए। ओके, थैंक यू।